तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें हमने बता दिया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बता रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन जाए तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे आसानी से बन सकता है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे 4 लिखे हैं। देखिए, दिया है 10A = cot B, बहुत आसान है। तो सिद्ध करें कि A + B = 90। यहाँ से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या दिया है, दिया है 10A = cot B, यानी कि यहाँ पे लिख देना होता आपको कि दिया है, ये बुक में दिया हुआ है। फिर इसमें से किसी एक को आपको तोड़ना है, वही जो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, किस तरह से हमने 48 फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, उसी फॉर्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे, यानी कि इसको तोड़ना है आपको। एक को तोड़ो और एक को छोड़ो, हमने बताया हुआ है, एक को तोड़ो और एक को छोड़ो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 या cot किसी एक को आपको तोड़ना है, तो इसी को तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cot ये 90 - θ, थीटा की जगह पे क्या है, ए है। तो 10 θ, यानी कि cot 90 - θ बराबर क्या होता है, 10θ, यानी कि हम लोग 10 को यहाँ पे तोड़ दिए। जब इसको तोड़ दिए तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ये cot क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसको आसानी से आप कट कर देंगे तो हो जाएगा 90 - A = क्या बच जाएगा, बी। इसको काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप नीचे लिख सकते हैं इसको। अब ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस इधर आके क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा, पहले से क्या था, बी, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, इसको सीधा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा A + B = यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 90। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसलिए ये बहुत आसान था, ये प्रूव हो गया। ये आप साइन का इस्तेमाल कर लेंगे अगर आपको करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप कर लेंगे। 6 में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या दिया है कि साइन ए प्लस बी, यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करके दिखाइए आप, साइन ए बी + c/2 = cos a/2। यानी पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः माने अंदर का कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपको ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज ड्रॉ करके दिखाया था, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, तो इसका अंतः कोण है ये हो जाएगा अंतः। तो बोला है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, यानी कि अंदर का कोण। तो आप सिद्ध करके इतना आपको दिखाना है। तो आपको मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज हो, कोई भी ट्रायंगल हो, यानी कि उसके 3 एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है, 180 होता है। सब लोग को पता है ये बात। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। सब लोग को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को आप जोड़िए, यानी कि यहाँ पे A (A), (B) और (C) कितना हो जाएगा, 180। ये लिख देंगे यहाँ पे कि ये होता है, ये पता भी है, आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये पता है, यहाँ पे हमको B + C (C) दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया, इसलिए इसको भी हटा सकते हैं। तो A + B + C = 180 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी को देख हम इसको प्रूव कर लेंगे। अब देखिए, हमको इधर LHS है और ये RHS है। तो LHS में देखिए क्या है, B + C है, और A को इधर भेजा है। तो यहाँ भी वही करना आपको, यहाँ पे B + C एज इट इज रखना, यहाँ पे 180, ये A प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। क्यों ऐसे किया है, अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए इसको चेंज कर देगा, यहाँ पे A + B और यहाँ पे C दे देगा, तब हमको A और B को इधर रखेंगे और सी को उधर भेज देना, यानी कि इसको देखना है कि इस LHS में क्या चीज़ का डिमांड है इधर, यानी क्या चीज़ इसमें है और उधर क्या चीज़ को भेजा गया है।
तो यहाँ पे बी प्लस सी यहाँ पे चाहिए हमको, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी प्लस सी को रख दिया। अच्छा ए को देखिए उधर भेजा है, इसलिए हमने ए को किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। अच्छा अब देखिए इसमें टू से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे दो से, यहाँ पे दो से भाग किया है और इधर भी इसमें दो से भाग कर दिया, इसी को देख कर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ दो से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पे दो से भाग कर लिया, b प्लस सी किससे भाग कर लिए, दो से बराबर। यहाँ पे 180 है इसमें भी दो से, और a बाई टू इधर भी दो से कर दिए, इधर भी दो से भाग कर दिए, 180 में भी दो से भाग कर दिए और इसमें भी दो से भाग कर दिए। ठीक, तो ये तो आपका b प्लस सी बाई टू एज इट इज यानी कि सेम रहेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे टू से तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये ए बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तो हमको मिल गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए साइन से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोनों तरफ साइन से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भाग किए थे दो से, अब दोनों तरफ लिखते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ साइन से भाग करने पर कर देते हैं कितना है, बी प्लस सी बाई टू किससे भाग गुणा करना है, साइन से। अच्छा यहाँ पे 90 माइनस ए बाई टू किससे भाग करना है, साइन से। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा, क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे लिख सकते कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ए बाई टू है। देखिए तो हमने प्रूव कर दिया इसको, इस तरह से क्या हमें प्रूव किया, तो ये कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर कोई दिक्कत होता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को का रिप्लाई और से हम देंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन की, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, यानी कि इसको ऐसे आप तोड़िए कि जो 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो बहुत आसान है, दोनों को आप तोड़ लीजिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, ये आ जाएगा, आपको समझ में नहीं, घटाइए इसको कितना आएगा, 3, कितना आ गया 23, और यहाँ पे है cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 75 आएगा, 15। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, आपको पता है ना कि ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह पे क्या है, 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। इस तरह से हो गया, ये साइन थीटा की जगह पर कितना है, 15, इस तरह से ये बन गया, हो गया ना ये 23 और 15। देखिए 0 और 45 के बीच में दोनों आ रहा है, तो इसने हम दोनों को, हम बोल रहा है कि दोनों को 0 और 45 के बीच में ही व्यक्त करना है, तो इसने हमने दोनों को तोड़ दिया, तो ये भी 23 हो गया है और ये कितना हो गया, 15 हो गया, कि 0 और 45 के बीच में आएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें।